दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं जिला झज्जर मुख्यालय में, जहां पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के सौजन्य से बाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के स्कूलों के बेहतरीन छात्र छात्राओं द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई हैं। ऐसे ही एक स्कूल के विद्यार्थी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कौन सा स्कूल है मैम ये? संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास झज्जर जी। ओके, तो ये किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ शिव तांडव। शिव तांडव, तो इसमें बच्चे कैसे परफॉर्मेंस करने वाले हैं? पहले तो ये शिव तांडव पे डांस परफॉर्म करेंगे, फिर उसमें दिखाया बच्चों ने समुद्र मंथन और भोलेनाथ की जो शादी होती है समुद्र मंथन के बाद, वो सब दिखाया है। वो डांस के थ्रू ये सब लोग प्रस्तुत करेंगे ये सारी चीज़ें। कितने दिन से आप इनका अभ्यास करा रहे हैं? इन्होंने कम से कम 1.5 मंथ। क्या समझते हैं मैम, कैसी रहने वाली प्रस्तुति? बिल्कुल सर, एवर हमारे बच्चे बहुत ज़ोरदार मेहनत कर रहे हैं, 1 महीने से, मतलब 1 से ज़्यादा ही हो गया है, और ऑल ओवर हमारा बेस्ट ही देंगे हम जी। ओके, क्या नाम है आपका? लक्षिता। लक्षिता, आप किस चीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं? सर नॉर्मली डांस। ओके, आपका क्या नाम है? माय नेम इज पेरी। इन व्हिच स्टैंडर्ड यू रीड? आई रीड इन 5th स्टैंडर्ड। व्हाट्स योर रोल इन दिस इवेंट? व्हाट इज योर रोल? पार्वती। Who is Parvati? I am Parvati. Okay. Can you define about Parvati? Can you say something about Parvati? I am not a Parvati. I am Narad. Parvati. Okay. You are Narad ji. So you can tell me about Narad ji. In this event, there is a marriage of Parvati and Bhole ji. Okay. What's your name? So my name is Kanishka. In which standard? In 5th standard. And your role is? Sir, dance. Dance. Okay. Okay. What's your name? My name is Neha. Which standard? 5th class. What is your get up? I am of dance. Okay, okay. चलिए कुछ और किरदारों से भी बात करते हैं। शिवजी महाराज जी, जय शंकर की। जय शंकर। तो आपने शिव का जो गेटअप लिया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कि शिव के बारे में कुछ लाइनें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि शिव भगवान कैसे थे, क्या उनके बारे में विशेषता खासियत क्या है? शिव जी बहुत एक बहुत अच्छे शिव की मान्यता है, शिव को मानते हैं? यस। कैसे थे भगवान शिव? बहुत अच्छे थे। ओके, आप आइए। क्या नाम है आपका? वंश। वंश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th। 5th में। अच्छा, ये आपने किस चीज का, किस किरदार का आपने ये गेटअप धारण किया है? भगवान परशुराम। आप जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ बताएंगे हमें कौन थे भगवान परशुराम? वो बड़े ही सत्यवादी थे और सबकी भलाई के लिए अपना जान करते थे। उन्होंने वो अपने वचन से कभी भी नहीं हटते थे। एक बार उन्होंने अपने वचन के तहत अपनी माँ का भी गला काट दिया था। वेरी गुड। अच्छा, भगवान परशुराम के बारे में बताया जाता है कि वो बात बात पर क्रोधित हो जाते थे, ऐसा था क्या? जी हाँ, बिल्कुल। उनको अगर कोई उनकी बातें ना मानते या फिर अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो वो भड़क जाते थे बहुत गंदी तरीके से। अच्छा, कितने दिन से आप अभ्यास कर रहे हो इस इवेंट के लिए? मैं तो तकरीबन 2 महीने से या 3 महीने से कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया होने वाली है? थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। नर्वस क्यों फील हो रहे हो? थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्या पहली बार ऐसा कर रहे हैं। आप बोलिए, जय भगवान परशुराम। जय भगवान परशुराम की। जय भगवान परशुराम। जय भगवान परशुराम।